अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी ऑडियंस, मेरे प्यारे से व्यूवर्स, दिल की गहराइयों से वेलकम टू माय चैनल। ड्रामा से आसानी की नेक्स्ट एपिसोड नाज़रीन बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज वीडियो में आपको ड्रामा से आसानी की नेक्स्ट आने वाले एपिसोड के बारे में नाज़रीन फुल रिव्यू देने वाली हूँ। तो इससे पहले आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को और मुझे ज्यादा सपोर्ट करना है। लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। ड्रामा सीरियस यानी कि नेक्स्ट एपिसोड में नाज़रीन आप देखेंगे कि जैसे कि किरण तो उस घर में अब जम के रहेगी, यानी अपने कदम उसने मजबूत कर लिए हैं। एक तो किरण के प्यारे से दो बेबीज हो चुके हैं और दूसरा जुहेब की शादी एक ऐसी बिगड़ी हुई लड़की से हो गई है कि किरण उस घर में और ज्यादा अपनी इम्पोर्टेंस बनाती जा रही है। किरण की सास ने अपने छोटे बेटे की शादी नहीं, जुहेब की शादी अमीर खानदान में करना चाहिए किरण को नीचा दिखाने के लिए, लेकिन उनको ये नहीं पता कि उनके लिए उन्होंने अपने लिए मुसीबत गले पड़ ली है, कि उनके लिए एक मुसीबत आ गई है। यानी उन्होंने जिस लड़की से शादी की है वो हक महर भी 2 करोड़ रुपए लिखवाते हैं। 2 करोड़ का हक महर होने के बावजूद जुहेब बड़ा परेशान हो जाता है क्योंकि वो लड़की इंतहाई बदतमीज लड़की आवारा है। वो जुहेब की कोई बात नहीं मानती, बात बात पे रोब जमाती है, जिसके बाद नवाल की वालदा यही कहती है कि बेटा हमने तुम्हारे 2 करोड़ का हक में सिर्फ इसलिए लिखवाया था ताकि जुहेब तुमसे डर के रहे। ये सब कुछ किरण देख के बहुत ज्यादा खुश हो रही है क्योंकि किरण यही सोच रही है कि जो कुछ उसके साथ होना चाह रहा था वो अब उसकी बहू छोटी बहू के साथ होगा। किरण तो बहुत ज्यादा खुश हो रही है, यानी किरण को तो बस मौका ही चाहिए था। जबकि दूसरी तरफ नाज़रीन आप देखेंगे जुहेब बहुत ज्यादा परेशान हो जाएगा क्योंकि नवाल बहुत बदतमीज लड़की है। जुहेब बाहर कमाने के लिए जाता है और वो यहाँ पर अयाशा कर रही है, अपने दोस्तों को बुला के पार्टियां कर रही है, जबकि उनके घर का माहौल ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। समझाने की बहुत कोशिश करता है नवाल को, लेकिन नवाल की जुबान पर बस एक ही अल्फाज होते हैं कि अगर आपको मुझसे कोई प्रॉब्लम है तो मुझे फिर आप तलाक दे सकते हैं। लेकिन वो तलाक किस तरह से दे, जुहेब तो बेचारा दे ही नहीं सकता क्योंकि 2 करोड़ रुपए अदा करने पड़ेंगे। यानी अब जुहेब बहुत परेशान और टेंशन में आ गया है शादी करके। जबकि दूसरे नाज़रीन आप देखेंगे उजाला की जिंदगी भी बड़ी मुश्किल और परेशानी में गुजर रही है क्योंकि रिजवान बात बात पर फिर शक करता है, बात का पतंगड़ बना लेता है, इतनी सी बात को इतना बना देता है। बेचारी उजाला बहुत दुखी परेशान सी हो गई, अब वो मजीद रिजवान के साथ नहीं रह सकती। जबकि नेक्स्ट एपिसोड में नाज़रीन आप देखेंगे अब किरण यही सोच रही है कि वो तो मजबूत हो चुकी है, उसको अलग हो जाना चाहिए क्योंकि अब मौका उसके बहुत अच्छा लग गया है क्योंकि जो नवाल है वो उस घर में इतनी ज्यादा याशा कर रही है कि जरबा भी सब कुछ देख देख के थक चुका है। किरण अब बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गई है और ये सब कुछ एहसास दिलाते हैं किरण के ससुर, यानी किरण के उसकी सास को एहसास दिलाते हैं कि तुमने जो कुछ भी किया गलत किया है, तुमने अपने छोटे बहू की यानी तुमने अपने छोटे बेटे की शादी ऐसे घर में कर दी है जो लड़की बहुत ही निहायत बदतमीज है। तुमने अपनी बड़ी बहू को नीचा दिखाने के लिए अपनी छोटी बहू आवारा बदतमीज ले आई हो, बहुत ज्यादा परेशान सी हो गई क्योंकि उन्होंने अपनी बेटी की भी शादी करनी है। अब जहाँ भी अपनी बेटी का रिश्ता ढूंढ रहे हैं वो लोग भी एक नंबर के लालची इंसान मिलते हैं, वो यही कहते हैं कि आपने अपनी दोनों बहुओं को 2 करोड़ हक में लिखा है तो कम से कम मेरे बेटे को 1 करोड़ तो आप दे ही सकते हैं ना। ये सब कुछ सुन सुन के अपनी बेटी का रिश्ता करते बहुत ज्यादा परेशानी सी हो रही है। नाज़रीन आपको ड्रामा से आसानी की नेक्स्ट एपिसोड कैसी लग रही है, आपने अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन बताना है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें, अगर अपनी है मेरे चैनल पे तो अपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है ताकि मेरी हर नई आने वाली प्यारी सी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह मैं जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप सब ने अपना ख्याल रखना है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी ऑडियंस, मेरे प्यारे से व्यूवर्स, दिल की गहराइयों से वेलकम टू माय चैनल। ड्रामा से आसानी की नेक्स्ट एपिसोड नाज़रीन बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज वीडियो में आपको ड्रामा से आसानी की नेक्स्ट आने वाले एपिसोड के बारे में नाज़रीन फुल रिव्यू देने वाली हूँ। तो इससे पहले आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को और मुझे ज्यादा सपोर्ट करना है। लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। ड्रामा सीरियस यानी कि नेक्स्ट एपिसोड में नाज़रीन आप देखेंगे कि जैसे कि किरण तो उस घर में अब जम के रहेगी, यानी अपने कदम उसने मजबूत कर लिए हैं। एक तो किरण के प्यारे से दो बेबीज हो चुके हैं और दूसरा जुहेब की शादी एक ऐसी बिगड़ी हुई लड़की से हो गई है कि किरण उस घर में और ज्यादा अपनी इम्पोर्टेंस बनाती जा रही है। किरण की सास ने अपने छोटे बेटे की शादी नहीं, जुहेब की शादी अमीर खानदान में करना चाहिए किरण को नीचा दिखाने के लिए, लेकिन उनको ये नहीं पता कि उनके लिए कि उन्होंने अपने लिए मुसीबत गले पड़ ली है, कि उनके लिए एक मुसीबत आ गई है। यानी उन्होंने जिस लड़की से शादी की है वो हक महर भी 2 करोड़ रुपए लिखवाते हैं। 2 करोड़ का हक महर होने के बावजूद जुहेब बड़ा परेशान हो जाता है क्योंकि वो लड़की इंतहाई बदतमीज लड़की आवारा है। वो जुहेब की कोई बात नहीं मानती, बात बात पे रोब जमाती है, जिसके बाद नवाल की वालदा यही कहती है कि बेटा हमने तुम्हारे 2 करोड़ का हक में सिर्फ इसलिए लिखवाया था ताकि जुहेब तुमसे डर के रहे। ये सब कुछ किरण देख के बहुत ज्यादा खुश हो रही है क्योंकि किरण यही सोच रही है कि जो कुछ उसके साथ होना चाह रहा था वो अब उसकी बहू छोटी बहू के साथ होगा। किरण तो बहुत ज्यादा खुश हो रही है, यानी किरण को तो बस
मौका ही चाहिए था, जबकि दूसरी तरफ नाज़रीन आप देखेंगे जुहैब बहुत ज्यादा परेशान हो जाएगा क्योंकि नवाल बहुत बदतमीज लड़की है। जुहैब बाहर कमाने के लिए जाता है और वो यहाँ पर अयाशा कर रही है, अपने दोस्तों को बुला के पार्टियां कर रही है, जबकि उनके घर का माहौल ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। समझाने की बहुत कोशिश करता है नवाल को, लेकिन नवाल की जुबान पर बस एक ही अल्फाज होते हैं कि अगर आपको मुझसे कोई प्रॉब्लम है तो मुझे फिर आप तलाक दे सकते हैं। लेकिन वो तलाक किस तरह से दे, जुहैब तो बेचारा दे ही नहीं सकता क्योंकि 2 करोड़ रुपए अदा करने पड़ेंगे। यानी अब जुहैब बहुत परेशान और टेंशन में आ गया है शादी करके, जबकि दूसरे नाज़रीन आप देखेंगे उजाला की जिंदगी भी बड़ी मुश्किल और परेशानी में गुजर रही है क्योंकि रिजवान बात बात पर फिर शक करता है, बात का पतंगड़ बना लेता है, इतनी सी बात को इतना बना देता है। बेचारी उजाला बहुत दुखी और परेशान सी हो गई, अब वो मजीद रिजवान के साथ नहीं रह सकती। जबकि नेक्स्ट एपिसोड में नाज़रीन आप देखेंगे अब किरण यही सोच रही है कि उस वो तो मजबूत हो चुकी है, उसको अलग हो जाना चाहिए क्योंकि अब मौका उसके बहुत अच्छा लग गया है, क्योंकि जो नवाल है वो उस घर में इतनी ज्यादा याशा कर रही है कि जरबा भी सब कुछ देख देख के थक चुका है। किरण अब बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गई है और ये सब कुछ एहसास दिलाते हैं किरण के ससुर, यानी किरण के उसकी सास को एहसास दिलाते हैं कि तुमने जो कुछ भी किया गलत किया है, तुमने अपने छोटे बहू की यानी तुमने अपने छोटे बेटे की शादी ऐसे घर में कर दी है जो लड़की बहुत ही निहायत बदतमीज़ है। तुमने अपनी बड़ी बहू को नीचा दिखाने के लिए अपनी छोटी बहू आवारा बदतमीज़ ले आई हो, बहुत ज़्यादा परेशान सी हो गई क्योंकि उन्होंने अपनी बेटी की भी शादी करनी है। अब जहाँ भी अपनी बेटी का रिश्ता ढूंढ रहे हैं वो लोग भी एक नंबर के लालची इंसान मिलते हैं, वो यही कहते हैं कि आपने अपनी दोनों बहुओं को 2-2 करोड़ हक में लिखा है तो कम से कम मेरे बेटे को 1 करोड़ तो आप दे ही सकते हैं ना। ये सब कुछ सुन सुन के अपनी बेटी का रिश्ता करते बहुत ज्यादा परेशानी सी हो रही है। नाज़रीन आपको ड्रामा से हंसियानी की नेक्स्ट एपिसोड कैसे लग रहे हैं, आपने अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में बताना है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें, अगर अपनी है मेरे चैनल पे तो अपने चैनल सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है ताकि मेरी हर नई आने वाली प्यारी सी वीडियो सबसे पहले आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह मैं जल्दी मिलती हूं नेक्स्ट वीडियो में, आप सब ने अपना ख्याल रखना है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी ऑडियंस, मेरे प्यारे से व्यूअर्स, दिल की गहराइयों से वेलकम टू माय चैनल। ड्रामा से हंसियानी की नेक्स्ट एपिसोड नाज़रीन बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज की वीडियो में आपको ड्रामा से हंसियानी की नेक्स्ट आने वाले एपिसोड के बारे में नाज़रीन फुल रिव्यू देने वाली हूँ, तो इससे पहले आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को और मुझे ज्यादा सपोर्ट करना है। लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। ड्रामा सीरियस यानी कि नेक्स्ट एपिसोड में नाज़रीन आप देखेंगे कि जैसे कि किरण तो उस घर में अब जम के रहेगी, यानी अपने कदम उसने मजबूत कर लिए हैं। एक तो किरण के प्यारे से 2 बेबीज हो चुके हैं और दूसरा जुहैब की शादी एक ऐसी बिगड़ी हुई लड़की से हो गई है कि किरण उस घर में और ज्यादा अपनी इंपॉर्टेंस बनाती जा रही है। किरण की सास ने अपने छोटे बेटे की शादी नहीं, जुहैब की शादी अमीर खानदान में करना चाहे किरण को नीचा दिखाने के लिए, लेकिन उनको ये नहीं पता कि उनके लिए कि उन्होंने अपने लिए मुसीबत गले पड़ ली है, कि उनके लिए एक मुसीबत आ गई है। यानी उन्होंने जिस लड़की से शादी की है वो हक महर भी 2 करोड़ रुपए लिखवाते हैं। 2 करोड़ का हक महर होने के बावजूद जुहैब बड़ा परेशान हो जाता है क्योंकि वो लड़की इंतहाई बदतमीज लड़की आवारा है, वो जुहैब की कोई बात नहीं मानती, बात बात पे रोब जमाती है। जिसके बाद नवाल की वालदा यही कहती है कि बेटा हमने तुम्हारे 2 करोड़ का हक में सिर्फ इसलिए लिखवाया था ताकि जुहैब तुमसे डर के रहे। ये सब कुछ किरण देख के बहुत ज्यादा खुश हो रही है क्योंकि किरण यही सोच रही है कि जो कुछ उसके साथ होना चाह रहा था वो अब उसकी बहू छोटी बहू के साथ होगा। किरण तो बहुत ज्यादा खुश हो रही है, यानी किरण को तो बस मौका ही चाहिए था। जबकि दूसरी तरफ नाज़रीन आप देखेंगे जुहैब बहुत ज्यादा परेशान हो जाएगा क्योंकि नवाल बहुत बदतमीज लड़की है। जुहैब बाहर कमाने के लिए जाता है और वो यहाँ पर अयाशा कर रही है, अपने दोस्तों को बुला के पार्टियां कर रही है, जबकि उनके घर का माहौल ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। समझाने की बहुत कोशिश करता है नवाल को, लेकिन नवाल की जुबान पर बस एक ही अल्फाज होते हैं कि अगर आपको मुझसे कोई प्रॉब्लम है तो मुझे फिर आप तलाक दे सकते हैं। लेकिन वो तलाक किस तरह से दे, जुहैब तो बेचारा दे ही नहीं सकता क्योंकि 2 करोड़ रुपए अदा करने पड़ेंगे। यानी अब जुहैब बहुत परेशान और टेंशन में आ गया है शादी करके, जबकि दूसरे नाज़रीन आप देखेंगे उजाला की जिंदगी भी बड़ी मुश्किल और परेशानी में गुजर रही है क्योंकि रिजवान बात बात पर फिर शक करता है, बात का पतंगड़ बना लेता है, इतनी सी बात को इतना बना देता है। बेचारी उजाला बहुत दुखी और परेशान सी हो गई, अब वो मजीद रिजवान के साथ नहीं रह सकती। जबकि नेक्स्ट एपिसोड में नाज़रीन आप देखेंगे अब किरण यही सोच रही है कि उस वो तो मजबूत हो चुकी है, उसको अलग हो जाना चाहिए क्योंकि अब मौका उसके बहुत अच्छा लग गया है, क्योंकि जो नवाल है वो उस घर में इतनी ज्यादा याशा कर रही है कि जरबा भी सब कुछ देख देख के थक चुका है। किरण अब बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गई है और ये सब कुछ एहसास दिलाते हैं किरण के ससुर, यानी किरण के उसकी सास को एहसास दिलाते हैं कि तुमने जो कुछ भी किया गलत किया है,
तुमने अपने छोटे बहू की यानी तुमने अपने छोटे बेटे की शादी ऐसे घर में कर दी है जो लड़की बहुत ही निहायत बदतमीज है। तुमने अपनी बड़ी बहू को नीचा दिखाने के लिए अपनी छोटी बहू आवारा बदतमीज ले आई हो। बहुत ज्यादा परेशान सी हो गई क्योंकि उन्होंने अपनी बेटी की भी शादी करनी है। अब जहाँ भी अपनी बेटी का रिश्ता ढूंढ रहे हैं वो लोग भी एक नंबर के लालची इंसान मिलते हैं। वो यही कहते हैं कि आपने अपनी दोनों बहुओं को दो दो करोड़ हक में लिखा है तो कम से कम मेरे बेटे को 1 करोड़ तो आप दे ही सकते हैं ना। ये सब कुछ सुन सुन के अपनी बेटी का रिश्ता करते बहुत ज्यादा परेशानी सी हो रही है। नाज़रीन आपको ड्रामा से हसीयानी की नेक्स्ट एपिसोड कैसे लग रहे हैं आपने अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में बताना है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें। अगर अपनी है मेरे चैनल पे तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है ताकि मेरी हर नई आने वाली प्यारी सी वीडियो सबसे पहले आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह मैं जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप सब ने अपना ख्याल रखना है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी ऑडियंस, मेरे प्यारे से व्यूअर्स, दिल की गहराइयों से वेलकम टू माय चैनल। ड्रामा से हसीयानी की नेक्स्ट एपिसोड नाज़रीन बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज की वीडियो में आपको ड्रामा से हसीयानी की नेक्स्ट आने वाले एपिसोड के बारे में नाज़रीन फुल रिव्यू देने वाली हूँ। तो इससे पहले आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को और मुझे ज्यादा सपोर्ट करना है। लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। ड्रामा सीरियस यानी कि नेक्स्ट एपिसोड में नाज़रीन आप देखेंगे कि जैसे कि किरण तो उस घर में अब जम के रहेगी, यानी अपने कदम उसने मजबूत कर लिए हैं। एक तो किरण के प्यारे से 2 बेबीज हो चुके हैं और दूसरा जुहेब की शादी एक ऐसे बिगड़ी हुई लड़की से हो गई है कि किरण उस घर में और ज्यादा अपनी इंपॉर्टेंस बनाती जा रही है। किरण की सास ने अपने छोटे बेटे की शादी ने जुहेब की शादी अमीर खानदान में करना चाहे किरण को नीचा दिखाने के लिए, लेकिन उनको ये नहीं पता कि उनके लिए कि उन्होंने अपने लिए मुसीबत गले पड़ ली है, कि उनके लिए एक मुसीबत आ गई है। यानी उन्होंने जिस लड़की से शादी की है वो हक महर भी 2 करोड़ रुपए लिखवाते हैं। 2 करोड़ का हक महर होने के बावजूद जुहेब बड़ा परेशान हो जाता है क्योंकि वो लड़की इंतहा बदतमीज आवारा है। वो जुहेब की कोई बात नहीं मानती, बात बात पे रोब जमाती है, जिसके बाद नवाल की वालदा यही कहती है कि बेटा हमने तुम्हारे 2 करोड़ का हक में सिर्फ इसलिए लिखवाया था ताकि जुहेब तुमसे डर के रहे। ये सब कुछ किरण देख के बहुत ज्यादा खुश हो रही है क्योंकि किरण यही सोच रही है कि जो कुछ उसके साथ होना चाह रहा था वो अब उसकी बहू छोटी बहू के साथ होगा। किरण तो बहुत ज्यादा खुश हो रही है, यानी किरण को तो बस मौका ही चाहिए था। जबकि दूसरी तरफ नाज़रीन आप देखेंगे जुहेब बहुत ज्यादा परेशान हो जाएगा क्योंकि नवाल बहुत बदतमीज लड़की है। जुहेब बाहर कमाने के लिए जाता है और वो यहाँ पर अयाशा कर रही है, अपने दोस्तों को बुला के पार्टियां कर रही है, जबकि उनके घर का माहौल ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। समझाने की बहुत कोशिश करता है नवाल को, लेकिन नवाल की जुबान पर बस एक ही अल्फाज होते हैं कि अगर आपको मुझसे कोई प्रॉब्लम है तो मुझे फिर आप तलाक दे सकते हैं। लेकिन वो तलाक किस तरह से दे, जुहेब तो बेचारा दे ही नहीं सकता क्योंकि 2 करोड़ रुपए अदा करने पड़ेंगे। यानी अब जुहेब बहुत परेशान और टेंशन में आ गया है शादी करके। जबकि दूसरे नाज़रीन आप देखेंगे उजाला की जिंदगी भी बड़ी मुश्किल और परेशानी में गुजर रही है क्योंकि रिजवान बात बात पर फिर शक करता है, बात का पतंगड़ बना लेता है, इतनी सी बात को इतना बना देता है। बेचारी उजाला बहुत दुखी और परेशान सी हो गई, अब वो मजीद रिजवान के साथ नहीं रह सकती। जबकि नेक्स्ट एपिसोड में नाज़रीन आप देखेंगे अब किरण यही सोच रही है कि वो तो मजबूत हो चुकी है, उसको अलग हो जाना चाहिए क्योंकि अब मौका उसके बहुत अच्छा लग गया है क्योंकि जो नवाल है वो उस घर में इतनी ज्यादा याशा कर रही है कि जरबा भी सब कुछ देख देख के थक चुका है। किरण अब बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गई है और ये सब कुछ एहसास दिलाते हैं किरण के ससुर, यानी किरण के उसकी सास को एहसास दिलाते हैं कि तुमने जो कुछ भी किया गलत किया है। तुमने अपने छोटे बहू की यानी तुमने अपने छोटे बेटे की शादी ऐसे घर में कर दी है जो लड़की बहुत ही निहायत बदतमीज है। तुमने अपनी बड़ी बहू को नीचा दिखाने के लिए अपनी छोटी बहू आवारा बदतमीज ले आई हो। बहुत ज्यादा परेशान सी हो गई क्योंकि उन्होंने अपनी बेटी की भी शादी करनी है। अब जहाँ भी अपनी बेटी का रिश्ता ढूंढ रहे हैं वो लोग भी एक नंबर के लालची इंसान मिलते हैं। वो यही कहते हैं कि आपने अपनी दोनों बहुओं को 2 करोड़ हक में लिखा है तो कम से कम मेरे बेटे को 1 करोड़ तो आप दे ही सकते हैं ना। ये सब कुछ सुन सुन के अपनी बेटी का रिश्ता करते बहुत ज्यादा परेशानी सी हो रही है। नाज़रीन आपको ड्रामा से हसीयानी की नेक्स्ट एपिसोड कैसे लग रहे हैं आपने अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में बताना है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें। अगर अपनी है मेरे चैनल पे तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है ताकि मेरी हर नई आने वाली प्यारी सी वीडियो सबसे पहले आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह मैं जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप सब ने अपना ख्याल रखना है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।